तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कृष्ण की नगरी में दुनिया भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। हर कोई कान्हा नगरी आकर मंत्रमुग्ध है और श्री कृष्ण की नगरी में खूबसूरत लाइटिंग, मंदिरों, चौक चौराहों पर सजावट देखते ही बन रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर कान्हा नगरी रोशनी से जगमगा उठी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में खूबसूरत लाइटिंग की गई है। मथुरा और वृंदावन के हर मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया है। इतना ही नहीं, चौक चौराहों पर भव्य मंच तैयार किए गए हैं, जिसकी खूबसूरती लाइटिंग श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। कृष्ण जन्मोत्सव की बात हो और मथुरा को सजाया ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जन्मभूमि को, जहाँ पर कल भगवान केशव देव का प्राकट्य होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि जिसे देखकर आप कहेंगे कि काश मैं मथुरा में होता। हमारे जितने भी श्रद्धालु इस समय टीवी पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ब्रज की भूमि पर कण कण में कान्हा का निवास है, और यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस जन्मोत्सव पर, जो कान्हा का जन्मोत्सव कहा जाता है, लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, चारों तरफ भव्य लाइटिंग की गई है। इसी तरीके से मुख्य द्वार के अगर प्रवेश की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना भव्य भीड़, और नीचे आप श्रद्धालुओं की अगर आप भीड़ देखेंगे तो भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ किस तरह से उमड़ी है। हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है, अपने कान्हा का आशीर्वाद पाना चाहता है, और खास मौका तब होता है जब कान्हा जी का जन्मोत्सव होता है, उनका प्राकट्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस दिन सभी लोग व्रत रखकर भगवान के दर्शन करते हैं, और जब भगवान के सदैव के दर्शन जन्मभूमि में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि मनोकामना भी पूरी होती है। मथुरा में जन्मभूमि पर भगवान केशव देव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दूर दराज से लोग भगवान के दर्शन के लिए मथुरा पहुँच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा वृंदावन में एक अलग ही लहर दिखाई देती है, आस्था का एक अलग ही सैलाब दिखाई देता है। आपको जन्मभूमि के इस समय मुख्य द्वार पर मैं इस समय खड़ा हूँ और आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जन्मभूमि पूरी तरीके से जगमग रोशनी में आई हुई है, और तमाम श्रद्धालु देख लीजिए। आप इधर मेरे दाहिनी तरफ में बिट्टे जल्ले से कहेंगे दिखाएं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस समय मथुरा वृंदावन का रुख कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अपने कान्हा का जन्मदिन है तो हर कोई कान्हा का जन्मदिन मथुरा वृंदावन यानी ब्रज भूमि में मनाना चाहता है, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में कड़कड़ में भगवान निवास करते हैं, कान्हा निवास करते हैं, और हर कोई बस यही कहता हुआ चला आ रहा है कि राधे रानी जब वो चले आएंगे बिहारी। तमाम श्रद्धालु इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मैं ठाकुर दिवाकर सिंह मथुरा से हूँ। अच्छा। और आपने तो बहुत बारीकी से हर बार देखा होगा। तो पड़ोसी, हम लोग तो पड़ोसी भगवान श्री कृष्ण के, हमारा सौभाग्य है, पूर्व जन्म के हमारे ऐसे अच्छे संस्कार हैं कि हमारा जन्म मथुरा में हुआ है। और जन्माष्टमी के इस अवसर पर पूरे भारतवासियों को और जो देश विदेश के लोग हैं उन सबको शुभकामनाएं, और हम लोगों ने तो बचपन से देखा है। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमारे आराध्य भी है, आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज हम लोग साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर आज हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, श्री कृष्ण एकदम मोहित कर देते हैं ऐसे दिल को। बहुत ज्यादा अच्छा इस बार इंतजाम कर रखे हैं, प्रॉपर एंट्री एग्जिट गेट्स यहाँ पे बना रखे हैं, प्रॉपर यहाँ पे एसी बस सर्विसेज है वृंदावन से मथुरा और मथुरा से वृंदावन के लिए। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, ई रिक्शा चल रहे हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम है, किसी तरह की कोई अनहोनी की यहाँ पे वो नहीं है। और देखिए भीड़ जरूर है, मैं अपने बेटे चले सकूंगा, एक बार गेट की तस्वीरें दिखाएं, भीड़ जरूर है लेकिन किसी को भी कोई मलाल इस बात का नहीं है कि काफी देर इंतजार है उनको करना पड़ रहा है। भीड़ है तो कुछ नहीं, बस भगवान के दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, यही वो चाहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखिए बाजार पूरी तरीके से सजा हुआ है, तमाम लोग जो है, क्योंकि कल जन्माष्टमी अपने घर पर भी तैयारी करते हैं ब्रजवासी, तो बाजारों में भी जो पोशाक है उन्हें खरीदने के लिए पहुंचते हैं, और यही जो तस्वीर है वो बताती है कि हर कोई कान्हा के रंग में रंगना चाहता है। ये तस्वीर आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोग देखिए ये आए हैं इधर, और लगातार राधे राधे की धुन यहाँ पर बजाई भी जा रही है और लोगों के मुंह से हम सुन भी रहे हैं, तमाम लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो ये पूरा बाजार जो है वो सजकर तैयार हो चुका है, श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आ चुके हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 25 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो इस बार मथुरा वृंदावन में मौजूद रहेंगे जन्मोत्सव के अवसर पर। हम लगातार तस्वीर आपको न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों ने श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह को मुक्त कराने की कामना की है। जन्माष्टमी पे यही लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। हर चौक चौराहे पे बहुत ज्यादा धूमधाम रहता है, लोगों में सद्भावना की लहर है। जब भी आती है मन यहाँ से जाने के लिए नहीं करता, हर बार मन को बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। पोतराकुंड में मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने लाइटिंग और फव्वारों से कुंड को खूबसूरत रंग दिया है। ये वही जगह है जहां बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोए जाते थे। खूबसूरत लाइटिंग देखकर श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। जन्मभूमि से चले हैं तो माए करीब 300 मीटर की दूरी पर, आपको यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस समय पोतराकुंड पर खड़ा हूँ। और पोतराकुंड का एक अपना अलग महत्व है। हालांकि हर बार ब्रज तीर्थ विकास परिषद लगातार यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं अंदर की किस तरीके से खूबसूरती से इसे सुसज्जित किया गया है। चारों तरफ भव्य लाइटिंग की गई है और इस लाइटिंग के दौरान तमाम फुहारे ऐसे हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते नजर आते हैं। देखिए आप, लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं और इसी दृश्य को देखने के लिए, इस फुहारों को देखने के लिए जन्मभूमि के दर्शनों के बाद लोग यहाँ पहुंचते हैं तो उनको सुख की अनुभूति होती है। यहाँ इस पोतराकुंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि भगवान केसरदेव मंदिर के समीप स्थित यह तालाब पोतराकुंड के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। और ऐसी परंपरा है कि यहाँ श्री कृष्ण जब बालकला अवस्था में थे, छोटी अवस्था में थे, तो उनके कपड़े जो थे, जो गंदे कपड़े थे, वो यहाँ पर धोए जाते थे, जिसके कारण इसे पोतराकुंड कहा जाता है। और तभी से ही ये लगातार जो कुंड है, एक अपनी अलग महिमा और एक अपनी अलग भूमिका में रहता है। और हर बार जब भी कोई जन्मभूमि के दर्शन करता है, भगवान केशव देव के दर्शनों के लिए आता है, तो पोतराकुंड जरूर पहुंचता है। तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है सब मथुरा में? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ। लाइटिंग वाइटिंग कैसी लग रही है? बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन है, आप बताइए। एक नंबर। कहाँ कहाँ घूमा है? पूरा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना। अच्छा, तो पहले से तय किया था कि जन्मोत्सव होगा कान्हा जी का, तभी हम जाएंगे? हाँ, पहले से तय किए थे, इसीलिए हम लोग ना मतलब 2-3 दिन पहले आए हैं, ताकि यहाँ का जन्मोत्सव बहुत अच्छा होता है, ऐसे करके देखेंगे बोल के। हाँ, तो सजावट वगैरह कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, एकदम जैसा सोचे नहीं थे उससे ज्यादा अच्छा है। तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है और जन्मोत्सव का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण की लीलाओं का एक संग्रह यहाँ पर है। कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ कलकल में भगवान निवास करते हैं, कान्हा जी निवास करते हैं, और हर कोई इस ब्रज की रज को छूना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। और अब मथुरा से बड़ी खबर है, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे सीएम। तो बांके बिहारी मंदिर में सीएम योगी ने किए दर्शन पूजन। तो बता दें कि इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस दौरान की तस्वीर जब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, इस दौरान मंदिर के महंत की तरफ से उनको फूलों की माला पहनाई गई, साथ ही जो पटका है वो भी उन्होंने पहनाया गया और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान की तस्वीर, मौजूद लोगों से भी उनका अभिनंदन स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री। और देखिए, जहां भी वो जिस भी मंदिर में जाते हैं, जिस भी भगवान की वो पूजा करते हैं, जो पूरा पूजन विधि की प्रक्रिया रहती है उसको बखूबी निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के इस खास मौके पर वो मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो राधा रानी हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनका किस तरह से श्रृंगार किया गया है। बेहद ही भव्य, खूबसूरत और अद्भुत छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो भगवान के श्रृंगार को किस तरह से यहाँ पर किया गया है, रंग बिरंगे कपड़े यहाँ पर पहनाए गए हैं, मुकुट सुंदर सुंदर यहाँ पर पहनाए गए हैं, लड्डू गोपाल जो है किस तरह से रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं।